पिछले साल विधानसभा चुनावों में तेलंगाना की सत्ता गंवाने के बाद भारत राष्ट्र समिति बड़े संकट से जूझ रही है। लोकसभा चुनावों में शून्य पर सिमटी बीआरएस बिखर रही है। बीआरएस कई बड़े नेताओं के पार्टी छोड़ने के बाद अब तक 16 विधायक गंवा चुकी है। इनमें से 10 विधानसभा के सदस्य शामिल है। ये सभी पिछले साल के आखिर में हुए चुनावों में जीते थे। ऐसे में तेलंगाना में चर्चा शुरू हो गई, क्या बीआरएस खत्म हो जाएगी या फिर बीजेपी के साथ आकर अपने अस्तित्व को बचाएगी। राज्य में पहली बार सत्ता पर काबिज हुई कांग्रेस अभी 10 विधायक अपने पाले में शामिल कर चुकी है। इसके बाद सदन में कांग्रेस का संख्या बल 64 से बढ़कर 75 हो गया है। एक सीट कांग्रेस ने उपचुनाव में जीती थी, जो बीआरएस की महिला विधायक के निधन से खाली हुई थी। तेलंगाना में रेवंत रेड्डी की सरकार के बीच चर्चा है। राज्य में कांग्रेस से मुकाबला करने के लिए बीजेपी और बीआरएस एक साथ आ सकते हैं। इसमें बीआरएस के बीजेपी के विलय होने की भी चर्चाएं चल रही है। कुछ रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया है कि हालांकि राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि बीजेपी और बीआरएस के मर्जर की बातचीत काफी आगे बढ़ चुकी है। तेलंगाना में कि छत्र राज करने वाले पूर्व सीएम केसीआर एक साथ कई मोर्चों पर घिरे हुए हैं। उनकी बेटी के कविता दिल्ली शराब घोटाले के सिलसिले में जेल में है, तो वहीं दूसरी तरफ बीआरएस लगातार कमजोर हो रही है। केसीआर के प्रचार के बाद भी पार्टी लोकसभा में शून्य पर सिमट गई थी। सत्ता पर काबिज हुई कांग्रेस लगातार विधायकों को और नेताओं को अपने पाले में कर रही है। ऐसे में बीआरएस के सामने अपने अस्तित्व को बचाने की चुनौती खड़ी हो गई। इसके अलावा बीआरएस के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है वह यह है कि राज्य की राजनीति दो ध्रुवीय हो रही है। कांग्रेस और बीजेपी के बीच लोगों को शिफ्ट होने से त्रिकोण की गुंजाइश पिछले कुछ महीनों से घट गई है। ऐसे में राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि बीआरएस कांग्रेस से लड़ने के लिए बीजेपी से हाथ मिला सकती है। लोकसभा चुनावों में कांग्रेस और बीजेपी ने 8-8 सीटें जीती थी। कांग्रेस को 40.10% वोट मिले थे, बीजेपी को 35.08% वोट मिले थे। अगर बीआरएस के 16.68% वोट बीजेपी में जोड़ दिए होते तो वे कांग्रेस से आगे निकल जाती। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को चुनावों में 3.02% वोट मिले थे। जो नेता बीआरएस के बीजेपी में विलय के पक्षधर है वो यही दलील दे रहे हैं, दोनों दल मिलकर कांग्रेस को पीछे छोड़ सकते हैं। पिछले दिनों जब केसीआर के बेटे केटीआर पार्टी छोड़ने वाले विधायकों को अयोग्य घोषित करने की मांग के साथ विधानसभा अध्यक्ष के पास पहुंचे थे, तो उन्होंने सीधे राहुल गांधी को निशाने पर लिया था और कहा था कि संविधान बचाने की दुहाई देने वाले दल बदलने का आने वाले विधायकों की पीठ थपथपा रहे हैं। बीआरएस के विधायकों में मची भगदड़ ने केसीआर की चिंता बढ़ा दी। पार्टी ने विधानसभा चुनावों में 39 सीटें जीती थी। एक महिला विधायक की सड़क हादसे में मौत के बाद 10 विधायक पार्टी छोड़ चुके हैं। ऐसे में पार्टी के कुल विधायकों की संख्या अब 28 रह गई है। आने वाले दिनों में कुछ और विधायक पार्टी छोड़ सकते हैं, ऐसी अटकलें लगातार लग रही है। लोकसभा चुनावों में पार्टी को 16.68% वोटों पर नुकसान हुआ था। कांग्रेस बीजेपी और AIMIM के वोट बैंक में वृद्धि हुई थी। ऐसे में अब देखना यह होगा कि तेलंगाना राज्य के लिए लड़े केसीआर कैसे कांग्रेस से अपनी पार्टी को बचाते हैं। खैर, आपका इस खबर को लेकर क्या कुछ कहना है कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।